Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand. Good morning. Welcome back to my another video. सीनियर से मैं 10 बार ऊपर नीचे करूंगी और बहुत फास्ट फास्ट running wild. चलो हो गया, बहुत थक गए. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laugh so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. बहुत दिनों से, तकरीबन 6 महीने से हमारा हस्बैंड के साथ हमारा ये था, क्या बोलते हैं उसको, डील था कि वो मुझे बेड टी पिलाएंगे. ऐसा कभी हो ही नहीं पाता है, वीक डे में इम्पॉसिबल. और संडे दिन भी मैं पहले उठ जाती हूँ, लेकिन आज भी पहले उठ गई. तो लेकिन आज मैं उनके हाथ का चाय ज़रूर पीऊँगी, बेड टी. तो इसीलिए मैं तो उठ गई हूँ. ठीक है, मेरा उठने का टाइम है, मैं उठ गई हूँ, लेकिन मैं वापस से इस बेडरूम में ही रहूँगी. देखो, बेड पे बैठ गई मैं और अब मुझे चाय बना के पिलाएंगे. नहीं तो 6 महीने नहीं, तकरीबन 1 साल इस घर में आने के बाद, इस घर में आए हुए हमें 1.5 साल होने वाले हैं, मुझे वो एक दिन भी चाय नहीं पिला है. टाइम देखो, टाइम भी काफ़ी हो गया, 9:30 हो गए, सुबह का टाइम नहीं है. लेकिन आज मुझे बेड टी पीना ही है इन हाउ, नहीं तो फिर पता नहीं अब 1 साल के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इसलिए आज मैं बेड टी पीऊँगी. वो भी हस्बैंड कहा, अभी वो किचन में है, चाय बना रहे हैं, देखती हूँ कैसा बनाते हैं. भागो भागो, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी, उनको नहीं पसंद वीडियो में इस तरीके से आना, वो चुपके से वीडियो बना ले. चलो मैं बेडरूम में बेड पे बैठी हूँ, अब मेरा बेड टी आएगा तो चाय पीऊंगी. मैं ही सोच पे आ गया. तो जी चलो, फाइनली 300 करोड़ साल के बाद हस्बैंड के हाथ का गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के आज मैं मज़े लूँगी. चलो जी, अब हम पीते हैं. मुझे वो इतनी अच्छी चाय बना के पिलाए, वो भी सुबह सुबह पहली चाय, तो मैं भी उनके लिए उनका पसंद का चने का सत्तू बनाती हूँ. जी अब इसमें करिए ब्लैक सॉल्ट ये गया, एंड ये वाला मसाला हमने रेडी किया है, बहुत ही मज़ेदार सा मसाला है ये. जीरा और सूखी लाल मिर्च को पहले तवा पे रोस्ट कर लिया है एंड उसके बाद उसको पाउडर बना दिया है. और ये आप सत्तू हो, दही हो, किसी भी चीज़ में थोड़ा सा, इतना सा भी अगर आप ऐड कर देते हो ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है. तो चलो जी, ये मज़ेदार सा हमारा सत्तू बन गया है. मैंने नींबू भी डाला है लेकिन वो मेरे से क्लिप मिस हो गया. चलो लेके चलते हैं, सब लोग को पिलाते हैं. गिर रहा है ना,
सकते हो। आप लीजिए, एक उठा लीजिए, एक बाबू का है एक, और इस तरफ बाबू टाइपिंग कर रहे हैं। आप ये लो, पूरा फिनिश करना है बेटा। जी, अब हम काम धाम में लग जाते हैं। ये मैंने कपड़े धुले थे, इसको लेके चलती हूँ। आजकल मेरे बेटा के रूम का हाथ ऐसा हो रखा है, खाते हैं ये देखिए। आजकल इतनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है कि कभी भी छत पे कपड़े डालो, कभी भी दो मिनट में बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाबू के रूम में इस तरीके से सारे कपड़े मैं सुखाती हूँ और वापस से अभी इसको भी इसी में डालूँगी, क्योंकि देखो अभी जस्ट बारिश होने ही वाली है, लगता है अभी 5 मिनट में हो जाएगी। पूरा अंधेरा हो रखा है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, तो छत पे नहीं जाऊँगी मैं, इस रूम में ही रखती हूँ। आजकल इसी रूम में कपड़े सूख रहे हैं। चलो चलो रूम में चलो। We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. तो चलिए जी, सारे कपड़े मैंने रूम में डाल दिए हैं, फैन ऑन करके छोड़ दिया है, अब चलते हैं। ये इस रूम का तो कबाड़ा बना हुआ है, चलो ये सूखता रहेगा 2 दिन में। आज मैंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया है, सिर्फ वो सीढ़ी वीढ़ी चढ़ना किया है, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत टफ टफ वाला एक्सरसाइज, जो एक होता है ना प्लैंक वाला, वो इतना खतरनाक एक्सरसाइज है, वो करने की वजह से मेरे स्टीच में इतना, मतलब इतना पेन कि मैं कैसे बताऊँ, अनबेयरेबल। मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था 2 दिन से, कल से मैं चिल्ला रही थी, इतना मुझे पेन हो रहा था मेरे स्टीच में, मुझे लग रहा था कि जैसे कल मेरा ऑपरेशन हुआ, इतना पेन हो रहा था। तो इसीलिए आज मैं कोई एक्सरसाइज नहीं की, और आज दिन बहुत अच्छा है। आज 7 जुलाई है और आज रथ यात्रा है, तो बहुत अच्छा दिन है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कान्हा को नहला के नए कपड़े पहनाने हैं, लेकिन नए कपड़े नहीं है मेरे पास, तो मैं अभी फटाफट से, संडे अच्छा है, हस्बैंड घर में ही है, उनके साथ जा कर के एक कपड़े उनके लिए लेके आती हूँ, और उसके बाद फिर उनको नहला के नए कपड़े पहनाएंगे, पूजा आज करूँगी। आज बहुत अच्छा दिन है। बाबू नहीं जा रहा हमारे साथ, इधर कुछ ये प्रिंट वगैरह कुछ कर रहा है, तो इसको मैं छोड़ दे रही हूँ। तो चलिए जी, यहाँ से मैंने एक ये आसनी लिया है और एक ये काना का कपड़े लिए हैं। तो चलो जी, यहाँ से मैंने आईब्रो भी बनवाया है थोड़ा सा, अगर आज नहीं बनवाती तो फिर 1 वीक मुझे वेट करना पड़ता। अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, बीकते फाइनली अपने घर पहुँच गए, घर पहुँच गए। अच्छा, बाबू को लेकर के नहीं गए थे, पूरी तरीके से हम भीग गए, बहुत तेज बारिश। और एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे एक बर्ड बैठी है, ये दिख रही है आपको, मेरे मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इतनी तेज बारिश हो रही है, भीग रही है, लेकिन मैं कब से बुला रही हूँ, आई नहीं रही है, आ जाओ, बेचारी डर रही है। और जब भी बहुत तेज तेज बारिश हो रही तो पेड़ ऐसे ऐसे हिल रहा है, लेकिन आई नहीं रही। और मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना खाना भी बना लिया, सिंपल सा, इधर चावल बनाया है, इधर प्लेन दाल है, एंड इधर आलू की भाजी है, भुजिया, बस इतना ही सा बनाया है। चलते हैं नीचे, सारे लोग नीचे चले गए हैं, बहुत देर हो गई है, टाइम हो रहा है, बता रही हूँ 2:54, दिख ही नहीं रहा है,
3 बजने वाले हैं। नीचे चलते हैं, सब लोगों को खाना देती हूँ। The night's young, it has just begun. She puts her hand in my... तो चलिए जी, बहुत देर हो गई है, खाना वाना भी हो गया हम लोगों का, एंड टाइम हो रहा है 3:30 का टाइम हो रहा है। चलो तो अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई, मैं सुबह से लगी हुई हूँ। जितना वीडियो में दिखाते हैं उतना काम नहीं होता, उसका डबल काम होता है। हर चीज़ वीडियो में दिखाते भी नहीं है ना, तो मेरे बाल भी गीला है, अभी सूखे भी नहीं है। तो मैं अब इस वीडियो को एंड करती हूँ, बहुत थक गई मैं, अर्ली मॉर्निंग से लगी हुई हूँ। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने कर दिया है उनको थैंक यू सो मच। आज रथ यात्रा है तो हैप्पी रथ यात्रा, और बड़ा अच्छा दिन है आज। बाबू छोटा था ना कुछ साल पहले, तो मैं रथ बनाई थी एक बार स्कूल में प्रोजेक्ट था रथ को लेकर के, याद है मैंने वीडियो भी डाला था कुछ दो तीन साल पहले का है। तो मैंने बहुत बड़ा सा रथ बनाया भी था, लेकिन मैं इतना कुछ बनाती नहीं हूँ, बट स्कूल की वजह से मैंने रथ बनाया था। इस बार कुछ भी नहीं किया है, वैसे भी इस बार किसी ने भी नहीं किया होगा क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, नहीं रुकी है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अरे हाँ, कि वीडियो एंड कर दियो तो मुझे याद आया, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी एज कितनी है, उनको मेरा एज जानना था, उम्र मैं कितने साल की हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा अभी अगस्त में, अभी 2 महीने बाद, अभी जुलाई है ना, नेक्स्ट ही मंथ अगस्त में, 6 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है, और अगस्त में मेरा 16 कंप्लीट होके अब मैं 17 में जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने अपना डेट ऑफ ये क्या बोलते हैं एज बता दिया, उनको मेरा एज जानना था। तो भाई मैं अभी 16 में हूँ, 16 कंप्लीट हो जाएगा एक महीने के बाद, तो मैं 17 में चली जाऊंगी। बेसिकली अभी मैं 16 साल की हूँ, तो ठीक है, ठीक है, ओके बाय।